प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 15वीं प्रधानमंत्री हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख भी हैं और 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुजरात राज्य के लिए इन्होंने कई प्रशंसनीय कार्य किए और अब ये भारत के प्रधानमंत्री बनकर देश के हित में कार्य कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। और पत्नी से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। ये एक कुशल राजनेता हैं और वक्तव्य भी हैं। इसके अलावा वो प्रतिभा के धनी माने जाते हैं कि उनकी जो बातें होती हैं वो खुद से तमाम चीज़ों पर कहते हैं जो चीज़ें उन्हें दिखती हैं। देश के जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री हैं उस हिसाब से वो तमाम चीज़ों को गौर भी करते हैं। अपनी सूझबूझ और विभिन्न कार्यप्रणाली से भारतीय जनता पार्टी को एक अलग मुकाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुँचाया है। इनके कार्यप्रणाली से सभी मोहित हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के बडनगर गांव में हुआ, जो कि मेहसाणा जिले के अंतर्गत आता है। ये इनके माता पिता के 3रे पुत्र और कुल 6 भाई बहन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ उनकी बहुत प्यार करती हैं। उनका बचपन बेहद कठिनाइयों से गुजरा। कच्चे के मकान में रहा करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके लिए 2 समय की रोटी की व्यवस्था करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती का काम था। परिवार बहुत ही गरीब था नरेंद्र मोदी का। इनके पिता चाय का ठेला लगाते थे और ये खुद भी परिवार की मदद के लिए पिता के साथ काम में हाथ बटाते थे। वे रेल की बोगी में जाकर चाय बेचने का काम किया करते थे और इनकी माँ लोगों के घर जाकर बर्तन मांजने का काम करती थी। इसके बाद इनके जीवन में शादी का मोड़ आया। काफी दिनों तक इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद RSS में गए और फिर उसके बाद शादी की बात आई। जसोदाबेन 15 साल की थी तब और मोदी जी 17 साल के थे। गुजरात के ऊंझा के नजदीक ब्रह्मवाड़ा गांव में विवाह हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर की जसोदाबेन का घर था। नरेंद्र मोदी ने 1987 में जसोदाबेन को तलाक देने का फैसला किया था, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। जसोदाबेन के भाई अशोक मोदी ने यह जानकारी एक अंग्रेजी अखबार को दी थी। अशोक मोदी ने बताया कि 1987 में नरेंद्र मोदी ने अपने बड़े भाई सोमा भाई मोदी के साथ जसोदाबेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उन्होंने आपसी सहमति से तलाक लेने का प्रस्ताव जसोदाबेन के सामने रखा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मोदी से अलग होने के बाद जसोदाबेन ने धोलका से अपनी पढ़ाई की और सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी से 2009-10 में सेवानिवृत्त हुई। अब वे अपना सारा वक्त भगवान की भक्ति में बिताती हैं। नरेंद्र मोदी की शादी उनके पिता ने 13 साल की उम्र में जसोदाबेन से तय कर दी थी और मात्र 2 वर्ष बाद इनका विवाह हो गया। अब ये दोनों पति पत्नी साथ नहीं रहते। शादी के कुछ दिनों तक ये दोनों साथ रहे, फिर आपसी सहमति से अलग रहने लगे। इनकी कोई संतान नहीं है। मोदी जी का ऐसा मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति परिवार के बंधन में होता है तब तक वो भ्रष्टाचार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सकता। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने परिवार और बच्चों की चिंता बिल्कुल भी नहीं की। उन्होंने कहा कि जिनको परिवार और बच्चों की चिंता नहीं होती वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने में ज्यादा सक्षम होते हैं। परिवार की जिम्मेदारी देश सेवा में विघ्न डालती है। पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और देश को अपने परिवार से अहम जानकर उन्होंने जो भूमिका अदा की है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मोदी उस समय BJP नेता के रूप में गुजरात में अपनी पहचान बना चुके थे। उनके अगले वर्ष ही उन्हें गुजरात BJP इकाई का संगठन सचिव नियुक्त किया गया। जसोदाबेन से अलग होने के बाद मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। संघ ने 1985 में उन्हें BJP भेज दिया। उन्होंने अपने भविष्य के लिए बचपन से ही राह बना ली थी। मात्र 17 साल की उम्र में घर से भागकर भारत भ्रमण किया और अलग अलग जगह पर जाकर ज्ञान अर्जन किया, लोगों की समस्याओं को करीब से जाना और समझा। 1971 में RSS के सदस्य और प्रचारक बन गए। वहाँ जल्दी उठ जाते थे और सारा दिन कार्य करते थे, देर तक सोते थे। प्रचारक होने के कारण इन्होंने गुजरात से अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों की समस्याओं को बहुत ही करीब से जाना। विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने संघ के लिए कार्य किया और सरकार की राजनीति में जो कमियां थी उन्हें उजागर किया। इनके कार्य कुशलता को देखते हुए इन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रभार भी सौंपा गया। 1985 में इन्हें BJP में शामिल होने का जो प्रस्ताव दिया गया था, ये अपने कार्य कुशलता से BJP के आधार मजबूत करने में लगे रहे। इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात।
जिसमें उन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में लिखा। बेहद ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा उनका और गुजरात की तमाम चीजें उन्होंने इस किताब में उड़ेल कर लिखी, चाहे वो गुजरात के संघर्ष की गाथा हो, गुजरात की आम जनजीवन की कहानी हो, सब कुछ इस किताब में लिखा। 1988 में गुजरात के आयोजक सचिव के पद पर नियुक्त किए गए। 1980 में इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की अयोध्या वक्र यात्रा का भव्य आयोजन किया। इसका महत्व बीजेपी में बढ़ता चला गया। 1995 में विधानसभा के चुनाव में बहुमत से बीजेपी को विजय प्राप्त हुई, लेकिन शंकरलाल वाघेला से मोदी की कुछ कहा सुनी हो गई। शंकरलाल वाघेला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद गुजरात का मुख्यमंत्री का पद केशुभाई पटेल को दिया गया। मोदी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और इन्हें दिल्ली भेज दिया गया। यहाँ भी इन्होंने अपना कार्य बखूबी निभाया और अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी और बीजेपी कई सीटों से हारने लगी और बीजेपी की हालत बेहद खराब होने लगी, तो फिर इसी साल अक्टूबर में गुजरात के मुख्यमंत्री का पद मोदी जी को सौंप दिया गया और ये लगातार इस पद को बेहतरीन तरीके से निभाते रहे और उसके बाद 2014 में इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की। इनकी शादी जसोदा बेन से हुई थी, ये कोई तब तक नहीं जानता था। जब ये मामला खुला उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। 2014 का लोकसभा चुनाव था सर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त कैंडिडेट थे मोदी पद के, और जब इन्होंने फॉर्म भरा तो उसमें जसोदा बेन का नाम लिखा। तो जब जसोदा बेन का नाम आया उसके बाद से जसोदा बेन सुर्खियों में आ गई और जसोदा बेन से मोदी आज तक नहीं मिले। लेकिन एक ऐसा समय आया जब जसोदा बेन से वो मिले और पीएम आवास में ही उनकी मुलाकात हुई। 75 मिनट तक इन दोनों की बातचीत होती रही और इस बीच जसोदा बेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय भी की। इस बीच और क्या कुछ हुआ ये खुलकर तो सामने नहीं आया, लेकिन आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जसोदा बेन की क्या बातें हुई ये अब तक सस्पेंस बना हुआ है कि जसोदा बेन आखिर क्या करने आई थी प्रधानमंत्री के पास, आखिर किस लिए वो प्रधानमंत्री से मिलने आई थी। ये तमाम बातें अब भी लोगों के जेहन में कौंध रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक बेहतरीन इंसान और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें थी उसको जीवन में अपनाने की बात कही, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर चीज़ में उन्होंने बेहतरीन करके दिखाने की कोशिश की है। आज देश विदेश में भी जाकर वो जिस तरीके से प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, उससे यही लगता है कि देश अब सचमुच में बुलंदियों की तरफ आगे बढ़ जाएगा। हालांकि भले ही आर्थिक मंदी चल रही हो, लेकिन जसोदा बेन की बातों को लेकर यही लग रहा था कि जसोदा बेन किसी ऐसे मुद्दे को लेकर आई थी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। जसोदा बेन को लेकर लगातार कई बातें उठती रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पीएम बने तो उन्होंने कई तरह के दावे और वायदे किए। आज यूपी को देख लीजिए, किस तरीके से यूपी को बहुत सारी सौगात दी है उन्होंने और यूपी को बेहतर बनाने की कोशिश की है। भय मुक्त यूपी का दावा किया गया था और जब वहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं की बात कही गई तो सबसे पहले बात महिलाओं का आया, तो सबसे ज़्यादा जो मुद्दे उठे थे वो महिलाओं को लेकर थे और यूपी में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। 2014 का वो वाकया आज भी याद आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के घर जाकर लोगों से ये कहते थे कि अब की बार मोदी सरकार की जीत होनी चाहिए। तो अपने जिस तरीके से कार्य को दिखाने की कोशिश की थी वो उस साल तो नहीं दिख पाया, लेकिन अब दूसरा जो टर्न शुरू हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने लागू किया और कोशिश की कि बेहतर किया जा सके। इस बीच विदेश यात्रा भी खूब किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और विदेशों में जाकर भारत के लिए बहुत सारी ऐसे मुद्दे थे जिस पर उन्होंने बात की। पड़ोसी मुल्क को लेकर भी मुद्दा उठा और ये मुद्दा भी खूब गूंजा और इस मुद्दे पर यूएन को भी इन्होंने करारा जवाब दिया और उसके बाद यूएन भी झुकने को मजबूर हो गए। तो यही बात है कि जसोदा बेन जो काफ़ी लंबे अरसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं बातचीत करती थी और अचानक से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास कैसे चली गई और उन्होंने क्या बात ही की, इतनी देर तक काफ़ी लंबी बातचीत हुई इन लोगों के बीच में और ये खबर मीडिया में वायरल हो चुकी है। तो क्या हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जसोदा बेन के बीच की बातें, बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन दबाइए और सुझाव दीजिए। नेक्स्ट 9
लाइव के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।